तो हम परस्ती। सरफराज मुझे पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा था, वो समझ रहा था कि मैं अकलो अदराक का मालिक हूँ तो हम परस्त नहीं, फिर उसे कैसे बताता। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा उसकी बातें सुनता रहा। तफतन वो जलाल में आ गया। तो हम परस्ती इस्लाम के मुनाफी है, ये तो हम परस्ती इस्लाम के माथे पर कलंक का टीका है, ये तो हम परस्ती हमारे लिए बाएं से नंग है। ऐन उस वक्त एक शोर उठा, एक गर्ज हरम शरीफ की मरमरी दीवारों से आकर टकराई और फिर चारों तरफ गूंजी। हम दोनों ने डरकर खाने खुदा की तरफ देखा। हरम पर एक बदली छा चुकी थी, खाने खुदा पर बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही थीं, मिजाब रहमत से पानी की एक छोटी सी धार गिर रही थी और वो बूढ़ा उसके नीचे खड़ा अल्लाह अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। ये देखकर सरफराज का रंग जर्द पड़ गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, उसकी पुतलियाँ फैल गईं, मुट्ठियाँ भींच गईं, जैसे उस पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। वो दीवाना वार उठा और फिर गुस्से में भरा हुआ सरफराज। मैं उसके पीछे भागा। मिजाब रहमत के करीब पहुंचकर सरफराज ने बुढ़े को जोर से धक्का दिया और फिर खुद उस धार के नीचे खड़ा हो गया। खुशी से वो दीवाना वार नारे लगाने लगा, आयतें पढ़ने लगा, छींटे उड़ाने लगा।